ये रजाई दे रखी सब तई और बैठ के सुनो मालिक की वाणी। पहले हम जब स्मारक पना लगे थे ना, VCR चल रहे थे, इतनी लंबोडी बोडी कैसेट वार दी, 3-3 घंटे की एक, और वो लिया करते किराए पे, अन्यों का करते 100 रुपये एक रात के। तीनों सोचा करते 3 फिल्म ले चाल, तीनों देखेंगे, चाह बनवाए जाते, रुपये जाते, अखबारें देखे जाते 9 घंटे ताई, तक 100 रुपये ला रखे, सारी कसर कटाएंगे और कुछ लेना नहीं देना, सारी बकवाद किया करते। और यहाँ परमात्मा के नाम पर अमृत वर्ष है, आत्मा भीग रही है आपकी, ये सत्कर मानना, और बहुत से पाप कट रहे हैं इस मालिक की इस अमृतवाणी से आपके। तो इसलिए दास चाहता है कि आप जी को इतना अधिक से अधिक डोज दे दूं ताकि ये रोग शीघ्र नष्ट हो जाए, अज्ञान रूपी, और फिर जन्म मृत्यु का रोग कटेगा। तो ये दिखाने के लिए, जैसे ये राधा स्वामी पंथ ये आगरा से चला, जिसके प्रवर्तक हैं श्री शिवदयाल जी, जिसको ये परम धनी और राधा स्वामी उसी को कहते हैं, और उनसे एक बाबा जैमल सिंह जी ने उपदेश लिया। जैमल सिंह जी ने पंजाब में ब्यास के अंदर अपना अलग से बना लिया। उस बाबा जैमल सिंह जी का शिष्य थे सावण सिंह जी, श्री सावण सिंह जी, बाबा सावण सिंह जी। सावण सिंह जी के शिष्य थे बलोचिस्तानी शाह मस्ताना, यानी वो खेमामल जी, और बलोचिस्तानी शाह मस्ताना अर्थात खेमामल जी सावण सिंह जी के शिष्य थे। उन्होंने यहाँ सिरसा के अंदर एक सच्चा सौदा नाम से डेरा बना दिया। उस एक ही कुएं का पानी है, वो शिवदयाल जी से शुरू हुआ था ब्यास में, ब्यास से यो सिरसा में, और उन्हीं से फिर ये आगरा से ही ये जय गुरुदेव का पंथ। वो 5 नाम देते हैं, 5ों नाम काल के। तो पुण्यात्माओं, समझदार ने एक का संकेत बतेरा हो है, जिसने अपना कल्याण करवाना है और मार्ग को स्वीकार करना है, देखना है। आपको दिखाते हैं उस शिवदयाल जी के विचार, जो परम धनी कहलाते हैं, जिन्होंने ये राधा स्वामी पंथ चलाया और जिसने करोड़ों पुण्यात्माओं को काल के मुंह में ढकेल दिया, उनका जीवन नष्ट करवा दिया। अब ये राधा स्वामी वाले क्या कहते हैं कि हमारा जो ज्ञान है वेदों से और गीता से पुराणों से ऊपर का है, आगे का, हमने गीता वेदों का पुराणों की कोई आवश्यकता को नहीं। ये बोली तो बोले हवाए, पर इन ज्ञान कख भी को नहीं। एक कुमार ने किते शेर की खाल पाएगी खेतों में जंगल में, और उसने ल्याकर अपने गधे पर डाल दी। फिर उसके मन में आई कि इसने मारे दुनलट खेतों में चला जा, छक्का होगा सांझ ने, शाम ने दे दूंगा, धक्के तड़के न पकड़ जाऊंगा। वो ऐसे कर दे, उसने शाम ने गधे पर शेर की खाल डाल के और खेतों में छोड़ा हुए, और गधा खूब छक्के उड़े वो खेती थे, और रखवाले देखने जावे के है निकट जावे, देखे तो शेर बाजने छोड़ के गांव में आ जा, शेर आ रहा, शेर आ गया। एक हफ्ता हो गया, उसने बहुत से वो खराब कर दी खेती, आसपास गांव में चर्चा बोली भाई शेर आ रहा है, सारी खेती खराब कर दे। एक कुमार था समझदार सा, उसने सोचा दूसरे गांव का, भाई खेती शेर खेती तो ना खाया करे, या जरूर कोई चाल पाओगी, गधे पर खाल पाओगी। उसने आकर कहा गांव वालों से, भाई थारे शेर ने तो मैं पकड़ दूँ, क्यों कर पकड़ेगा कि मैं 5-4 गधे ले चलूँगा अपने, वो देखी जाएगी एक आध गधे ने खा लेगा, पछाणता आ जाएगी शेर से के शेर खेती तो ना खाया करे। नो बोला रहा मर जाएगा भाई, हम नहीं चलना गांव वाले के। वो कहने लगा भाई तुम नो करियो ऊपर वृक्ष पर बैठ जाइयो ऊंचे पर। बोला भाई ठीक से, तो ऐसा ही किया, वो ऊपर बैठा दिए और वो गधे छोड़ दिए थोड़ी दूरी पर। वो कुमार ने अपना गधा छोड़ दिया और शेर, थोड़ी देर में गधा ने बोली बोली, फिर
हू करने लागे तो भी लागा हू करता हो। आया उछलता हुआ खाल कीता वो गधा में आके मिल गया, वह खाल उतरते गधा का गधार बोली तो बेरा पिट गया गधा है। जब गांव वाला नौ कुमार भी गड़िया और गधा भी तोड़िया दे लठा, तो अब इनके जो ज्ञान की खाल उतारे पाछा पता लग गया संत है असंत, और संत का ज्ञान से उनकी वाणी से पता चलता है, शेर की दाड़ गधे की ब्याह ब्याह तो नारा पता लग जाए। तो इस ज्ञान से इस बोली से पता लगेगा संत और असंत का। ये देखिएगा सार वचन राधा स्वामी, सार वचन वार्तिक, सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, हजूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी सत्संग व्यास से। इसके कौन है प्रकाशक हैं? जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जैमल सिंह पंजाब। पहला संस्करण 1961 में यो बनया है और 16वां संस्करण ये 2003 का ये अपने पास उपलब्ध है। अच्छा, यहां भूमिका में के कहा है के सार वचन राधा स्वामी वार्तिक अजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। शिवदयाल जी का ज्ञान है जिसने राधा स्वामी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मानते हैं। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपा गया सन 1902 में। ओए होए 108 वर्ष हो गए इस अड़ंगे न पढ़ते ने। ओए होए सन 1902 में बाबा जैमल सिंह जी महाराज ने सार वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया पंजाबी में, और पुस्तक प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरुमुखी संस्करण के अनुसार है, और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। अब यहाँ से सीधा हो गया कि ये अजूर स्वामी जी का है, ये किसका ये क्लियर किया है, उसके सत्संग है, उसके वचन है किसके? राधा स्वामी यानी शिवदयाल जी के। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था, ये नाम था उस राधा स्वामी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का, सेठ शिवदयाल जी सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था, माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब जी के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने तुलसी साहिब जी की काफ़ी संगत की थी, यानी शिवदयाल जी ने भी उस तुलसी साहब हाथरस वाले की काफ़ी ज्ञान सुना था। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। ठीक है, अब पुण्य आत्माओं अब आप जी एक तो ये देखो कि शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, वैसे उसने जो ज्ञान उस तुलसीदास हाथरस वाले से सुना था उसी के आधार से अपना ही सेल्फ मेड ज्ञान के आधार पर इसने हठ योग शुरू किया, जबकि सब गीता जी में वेदों में पुराणों में संतों के मार्ग में जिन परमात्मा पाया उन्होंने हठ योग को बंद किया, मना किया है। और ये हठ योग कैसे करते हैं? कान बंद कर लेंगे नो हाथों से और
आंख बंद कर लेंगे और नाक के भी हाथ ला लें, कई बार थोड़ा बहुत कुछ देर सांस रोक कर कहते आराम से अंदर धुन सुनो। और इसने सुरत शब्द अभ्यास कहे हैं छोटे भाग। सुरत शब्द का अर्थ है जो नाम हम जाप करते हैं उस नाम के ऊपर जाप पर ध्यान रखें। मैं के तो मंत्र बाहर निकाल रहा हूँ, कौन से मंत्र को अंदर ले रहा हूँ। तो ये तो होता सुरत शब्द अभ्यास, ध्यान रखे मनी दर भागे फिर नाम पर रखे फिर भागे फिर रोके, इसको अभ्यास बोलते हैं। और ये हठ योग करा बंद कमरे में 17 वर्ष तक और नहीं होगा 3-4 दिन तक टट्टी उठ भी ना जाया करता, वहीं बैठे रहता उसमें। और फिर कैसा ज्ञान उसने दिया ये आगे बताते हैं, देखिएगा। ये है खुलासा, ये वही पुस्तक है सार्वचन वार्तिक, ये वही है सार्वचन वार्तिक राधा स्वामी वार्तिक, ये जो अभी आपको दिखाई है। अब इसके हम प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं, ये 13 नंबर प्रश्न है। राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय, खुलासा उपदेश अजूर राधा स्वामी साहब का शिवदयाल जी के द्वारा बोले गए वचनों को गीता जी की तरह इन्होंने सीरियल वाइज लिख रखा है। वचन नंबर 1, वचन नंबर 2, ये दफा नंबर 1। इस दफा नंबर 1 में क्या कहा इन्होंने लास्ट में, सिर्फ काम इतना कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम या सतनाम को मुकाम माने स्थान, सतनाम को स्थान कहा है और राधा स्वामी को भी स्थान मुकाम कहा है। आगे देखो, अब ज्यादा ना करके हम प्रश्न नंबर यहां देखिएगा, प्रश्न नंबर 14 और ये 2 नंबर वचन श्लोक से बना रखे ना, अरे 3 नंबर वचन। अब 3 नंबर वचन में क्या है कि आप जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले यानी स्थान की तरफ चले, असली स्थान की चले, पर सब के सब दूर स्थान तक नहीं पहुंच सके। सो बहुत से तो मंजिल पहली और कोई दूसरी मंजिल पर और कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे, सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम पर है। अब सतनाम को ये स्थान बताए हैं और बिरले कोई मंजिल आठवीं राधा स्वामी पर पहुंचे। अरे वाह, अब यहाँ देखना प्रश्न नंबर 15 पे वचन नंबर 4, या तोड़ पाट जाएगा इनकी बोली का। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, आप कह रहे राधा स्वामी सबसे ऊंचा स्थान है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। अच्छा आगे देखो, और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, सतनाम का स्थान है। अब स्थान को सतनाम को वहां मुकाम बता रहे मंजिल बता रहे, कहते सतनाम का स्थान है, स्थान का स्थान है, सतनाम को स्थान समझो, स्थान का स्थान है मुकाम है। अब इनके एंड बेंड उवा बाई सुनिए जानते, इस मुकाम से या राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है और जिसको इस सतनाम पर घाटा जोड़ेंगे, डिफाइन कर रहे हैं ये सतनाम की डेफिनेशन देखना कितना। अब सतनाम जिसको यानी सतनाम को संतों ने सतलोक सचखंड और सारशब्द और सतशब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अरे वाह, जय हो राधा स्वामी की, तोड़ पाट दिया कति न्यों कह, ये सतनाम की डेफिनेशन बता रहे हैं पाचा के एंड बेंड बोल रहे थे, सतनाम मुकाम है मंजिल है। यहाँ कह रहे हैं जिसको सतनाम को संतों ने सतलोक सचखंड सारशब्द और सतशब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है, तथा इनका कितना सर पैर है। अरे तरह गजब हुई, और फिर न्यों कहें रामपाल तो निंदा करे
किताब तो आपकी पढ़ूं और निंदा मैं करूं।